हेलो गाइस, वेलकम टू टेकबाइट। आज हम बात करने वाले हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या पावर ऑन करने के बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। इन छोटे छोटे प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है जानेंगे हम अपने इस वीडियो में, तो देखते रहिए TechByte। जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो ये प्रोसेस आपका हर बार होता है, यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन के आने तक जो भी छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं उन्हें बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस में पहला प्रोसेस पोस्ट होता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर अपने साथ लगे हुए जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, इन सारी डिवाइसों को एक बार ऑन करके चेक करता है कि क्या ये डिवाइसेस वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। आपने कई बार गौर किया होगा, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में जो आपके कीबोर्ड है या माउस है उसकी लाइट एक बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाती है। ये हमारा पोस्ट के टाइम पे होता है। तो पोस्ट में क्या होता है कि अगर आपके इस प्रोसेस में अगर मान लीजिए कि कोई डिवाइस आपके साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है और उस डिवाइस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मीन्स वो खराब है कुछ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए मैसेज के साथ आपके स्क्रीन पे शो करेगा। तो इसी प्रोसेस को पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का जो प्रोसेस होता है वो आपके कंप्यूटर में लगे माइक्रो प्रोसेसर और बायोस चिप के एफर्ट से होता है। यानी पोस्ट के प्रोसेस के होने के लिए भी आपके कंप्यूटर में तीन कंपोनेंट का वर्किंग कंडीशन में होना कंपलसरी है, जिसमें कि CPU, RAM और मदरबोर्ड शामिल है। यानी अगर CPU, RAM और मदरबोर्ड इन तीन कंपोनेंट में से अगर कोई भी एक कंपोनेंट आपका वर्किंग कंडीशन पे नहीं होगा तो जो आपका पोस्ट का प्रोसेस है, जो पहला प्रोसेस है, वो भी आपका नहीं होगा। मतलब अगर आपके कंप्यूटर के ये तीन कंपोनेंट वर्किंग कंडीशन में होंगे तभी पोस्ट का प्रोसेस होगा, जिसके अंदर कंप्यूटर अपने साथ लगे हुए सभी डिवाइसेस को पावर ऑन करके चेक करेगा। पोस्ट का प्रोसेस सक्सेसफुल होने के बाद बायोस एक बूटिंग डिवाइस ढूंढता है जिसमें कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जिससे वो कंप्यूटर को बूट कर सके, यानी कंप्यूटर की रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो हार्ड डिस्क से लोड करेगा। बायोस हार्ड डिस्क से कुछ बूट फाइल को ढूंढेगा जिससे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर सके। तो विंडोज में तीन फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने पर बायोस रैम में लोड करता है। पहली फाइल होती है command.com, सेकंड इज ms-dos.sys, थर्ड इज io.sys यानी input-output.sys। ये तीन फाइलें नेसेसरी होती हैं विंडोज को लोड होने के लिए। तो बायोस जब इन तीनों फाइलों को रैम में लोड करता है तब आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन शो होती है जहां आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। This is your host NS from TechByte and thank you guys for watching. See you around.